आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि YouTube का जो थंबनेल होता है वो थंबनेल कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग बना सकते हैं, तो मेरे इस वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाके आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। तो उस एप्लीकेशन का नाम है, यहाँ आपने सर्च में डालना, उस एप्लीकेशन का नाम है कैनवस। जैसे कैनवस डालेंगे तो यहाँ पे देखिए नाम आ गया कैनवस ऐप, इस पर क्लिक करना है आपको। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा डाउनलोड करने का। मेरे इस पर पहले डाउनलोड हुआ है, तो यहाँ पे अपडेट का आ रहा है, मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। तो आप लोग इसे इंस्टॉल करिए अपने प्ले स्टोर से, वेट करिए, थोड़ा टाइम ले रहा है। तो इसे आप बहुत अच्छे अच्छे थंबनेल बना सकते हैं, अपने फेसबुक के लिए बना सकते हैं, हर चीज़ के लिए आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। इंट्रो भी क्रिएट कर सकते हैं आप, लोगो भी क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा ऐप है ये क्रिएटर के लिए। तो ये देखिए ये अपना इंस्टॉल हो रहा है, देखिए थोड़ा वेट करिए। तो ये आप प्रो वर्जन भी ले सकते हैं, मैं जो यूज़ करूँगा ये फ्री वर्जन करूँगा। जो फ्री में यूज़ करना है वो कैसे करना है, आप अगर अच्छे अच्छे फीचर और यूज़ करना चाहते हैं तो आपको प्रो वर्जन पेड वर्जन लेना पड़ेगा। तो मैं ये काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ, फ्री वर्जन ही यूज़ कर रहा हूँ, कोई पेड वर्जन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्री में इसे यूज़ कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ से ओपन करना है, ओपन ऑप्शन पे जाके इसको ओपन करना है। ये देखिए इस तरह से खुलेगा, थोड़ा वेट करना है आपको, थोड़ा वेट करना है। ये देखिए यहाँ पे ये खुलना शुरू हो गया, ये देखिए। तो यहाँ पे ऊपर सर्च बार में क्या लिखना है आपने, आपने जैसे YouTube के लिए बनाना था YouTube थंबनेल बनाना आपने, तो YouTube थंबनेल लिखना है। ये देखिए YouTube थंबनेल। तो यहाँ पे देखिए आपके पास बहुत सारे थंबनेल आ जाएंगे, यहाँ देखिए ये सारे, देखिए ये देखिए इतने सारे आ जाएंगे। जो ये देखिए ये फर्स्ट में ये फ्री है, ये देखिए यहाँ पे ये सारे फ्री है, पर ये यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे ये वाला पेड है, ये वाला पेड है, ये वाला पेड है। तो आप पेड भी ले सकते हैं, तो हम तो आज यूज़ करने वाले फ्री वाला ही करेंगे। तो किस तरह से एक हम थंबनेल बना के भी आपको दिखाएंगे। तो हम सेलेक्ट करते कोई भी, ये देखिए बहुत सारे हर प्रकार के हर उसके हैं, ये देखिए हर चीज़ के मिल जाएंगे आपको, आपकी वीडियो किसके ऊपर है, जैसे ब्लॉगिंग के ऊपर है, ये देखिए ब्लॉगिंग का भी मिल जाएगा आपको। देखिए ये देखिए अगर फूड के ऊपर है आपका, देखिए देखिए फूड का भी मिल जाएगा, यानी कि आपको हर प्रकार के यहाँ पे थंबनेल मिल जाएंगे। तो हम एक कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, तो कौन सा करें सिलेक्ट, हम ये वाला कर लेते हैं, एक इसको कर लेते हैं, थोड़ा टाइम ले रहा है लोडिंग होने में। तो ये देखिए ये हमारे पास आ गया है। तो इसको हम कस्टमाइज़ करेंगे थोड़ा, कि जो इसमें पहले से इमेज लगी है इसको हम रिमूव करेंगे। जैसे ये लगी है इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। तो यहाँ देखिए ऊपर डिलीट का बटन आ गया है, इसको डिलीट करेंगे। ये देखिए यहाँ नीचे डिलीट इमेज आ रहा है, यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे आपने कोई और लेना है इमेज लगानी है, तो हम लगाएंगे यहाँ पे। तो उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे फ़ोटो लेना है तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। तो यहाँ से हम एलिमेंट लेंगे, तो क्या एलिमेंट लेंगे, देखिए एलिमेंट ऑप्शन पे जाके यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पे डालते हैं यूट्यूब, हमें यूट्यूब का वो चाहिए, लोगो चाहिए, तो हम यहाँ से यूट्यूब का लेंगे। इसको यहाँ से क्या करना है, सर्च करना है। अब देखिए यहाँ पे यूट्यूब के बहुत सारे लोगो आ गए, आप तो ने कौन सा लेना है, तो हम ये ले लेते हैं यूट्यूब का। तो ये देखिए ये यूट्यूब का यहाँ पर आ गया, तो इसको लगा देते हैं यहाँ पे।
इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये पीछे बैक है, इसको भी आप कलर दे सकते हैं, जो ये बैक का इमेज है इसको भी कलर दे सकते हैं, यहाँ से कलर ले सकते हैं। तो इसको हम देंगे वाइट, ये देखिए वाइट दे दिया हमने यहाँ सेलेक्ट करके। अब इसको हम थोड़ा सेट करते हैं इस तरह से, ये हमने सेट कर दिया। तो जो यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे लिखा है हाउ टू कुक, यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं और कुछ, तो यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे, यहाँ देखिए नीचे ये एडिट पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम YouTube। तो ये हमने YouTube लिख दिया, तो YouTube चैनल लिखेंगे यहाँ पे, ये लिखी YouTube लिख दिया हमने। थोड़ा इसको साइज बढ़ा देंगे थोड़ा सा इस तरह से, थोड़ा बड़ा साइज देंगे, यहाँ से बड़ा करना आपने, इसको थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे। थोड़ा इसको सीधा करेंगे, टेढ़ा हो गया, थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे इसको, ये देखिए ये हमारा बन गया। इसको थोड़ा अगर सेंटर में करना है, इसको सेंटर में कर देंगे। तो उसके बाद ये नीचे देखिए YouTube हो गया हमारा, यहाँ नीचे लिखेंगे THUMN थंबनेल। तो इसका देखिए, इसको सेट करते हैं यहाँ पे, इसका फॉन्ट साइज बड़ा करते हैं इसका थोड़ा सा, थोड़ा बड़ा करते हो कलर, अगर चेंज करना चाहे आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं हम, इसको हम रेड कर देते हैं। इसका फोन थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है जी। YouTube थंबनेल मेक इजी लिख देते हैं, और यहाँ पे यहाँ जाना आपने, यहाँ लिखना आपने मेक इजी, मेक इजी हेडिंग डाल देते हैं। तो इसका फोन साइज ये थोड़ा बड़ा करते हैं, और हम इस तरह से थोड़ा और बड़ा करते हैं इसको इस तरह से, कलर इसका चेंज करते हैं, इसका कलर ये रखते हैं। तो ये देखिए इस तरह से कर सकते हैं आप, थोड़ा इसको और करते हैं, इसको यहाँ से फॉन्ट चेंज करते हैं इसका इस तरह से, मेक इजी। तो ये देखिए हमारा ये YouTube थंबनेल तैयार होके बन गया है, मेक इजी YouTube थंबनेल मेक इजी। देखिए इस तरह से आप बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ ऊपर जाना आपने, ये एरो पे यहाँ देखिए इस पर क्लिक करना है, ये देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा इस तरह से, देखिए इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा, देखिए ये देखिए
ये डाउनलोड हो गया। मैं आपको गैलरी में जाके दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा बनके रेडी हो गया। ये देखिए ये हमारा बनके रेडी हो गया। तो इसको हमने अपने YouTube पे लगाना है, तो यहाँ पे जाना आपने, वाइट स्टूडियो पे जाना, कहाँ पे लगाना आपने वहाँ पे से आसानी से वो कर सकते हैं, लगा सकते हैं। मैं एक YouTube चैनल खोलता हूँ, वहाँ पे लगाता हूँ इसको। जैसे यहाँ पे इस पे लगाता हूँ मैं, इस पे क्लिक करना आपने। इस पे क्लिक करने के बाद ये पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है। उस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पेंसिल पे क्लिक करना है। तो यहाँ चेंज पे जाना आपको। अब देखना है, ये देखिए ये लग गया आपका YouTube थंबनेल मेक कीजिए। तो यहाँ ऊपर से डन का ऑप्शन है, इसे डन करना है। तो इस तरह से आपका आसानी से YouTube थंबनेल आपके YouTube वीडियो पे लग जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।